नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। कोरोना के मामलों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। हालांकि दैनिक मामले 40,000 के नीचे बने हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 38,353 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 497 संक्रमितों की जान चली गई। नए मामलों के बाद देश में कोरोना का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,20,00,000 के पार पहुंच गया है। इनमें से अब तक 4,29,197 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना मरीजों में 36% का इजाफा हुआ है। बीते दिन देश में 30,000 से कम कोरोना केस दर्ज किए गए थे। हालांकि राहत की बात ये है कि देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 3,12,00,000 से ज़्यादा मरीज कोरोना से रिकवर होने में सफल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 40,013 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। देश में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट अभी 5% से नीचे बना हुआ है। देश की वर्तमान सकारात्मक दर 2.34% है। हालांकि दैनिक पॉजिटिविटी रेट पिछले 16 दिन में 3% से नीचे ही बना हुआ है। वर्तमान में ये 2.16% है। राज्यों की बात करें तो केरल में कोरोना के मामले एक दिन की राहत के बाद फिर से 20,000 के पार पहुंच गए हैं। यहां मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 21,119 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान कोरोना से 152 लोगों की मौत हो गई। वहीं मिजोरम में मंगलवार को 863 नए कोरोना मरीज रिपोर्ट किए गए। इसी तरह असम में बीते दिन 929 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि इस दौरान 16 मरीजों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल में मंगलवार को कोरोना के 639 नए मामले रिपोर्ट किए गए, जबकि 12 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में बीते दिन 1,461 नए मामले सामने आए, जबकि 15 मरीजों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा। उड़ीसा में मंगलवार को कोरोना वायरस के 1,078 नए मामले सामने आए, जबकि 65 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।